नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन डाबल। सरकार लगातार शिक्षा को लेकर जोर दे रही है, तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन कोटा में एक स्कूल ऐसा है जहां ना तो चार दीवारी है और ना ही छात्रों के बैठने की कोई भी व्यवस्था है। मामला कोटा का है, जहां बूंदी लोकसभा सांसद ओम बिरला की पहल पर कोटा मेडिकल के सामने बसी कच्ची बस्ती में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल शुरू किया गया। आपको बता दें कि स्कूल बिना चार दीवारों के खुले में चलाया जा रहा है और वहाँ बच्चों के बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल 3 साल पहले शुरू किया गया, तब यहां बच्चों की संख्या 75 थी। सही व्यवस्था ना होने के चलते अब बच्चों की संख्या घटकर 45 रह गई है। तो वहीं कोटा जिला में आपको बता दें कि कुश्ती संघ द्वारा स्टेट कुश्ती का आयोजन किया गया है। कुश्ती संघ ने केशवपुरा में स्टेट लेवल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया है। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में विधायक संदीप शर्मा मौजूद रहे। आयोजन में पूरे देश के पहलवानों ने भाग लिया, साथ ही प्रदेश के कुश्ती पहलवान और संघ के पदाधिकारी गण भी वहां मौजूद रहे। अखाड़ा संचालक महावीर राठौर ने बताया कि इसमें प्रतियोगिता में विभिन्न वजन वर्ग के अनुसार पहलवानों की कुश्ती कराई जा रही है। हमारे पूरे भारत में पहले मिट्टी के अखाड़े चलते थे, लेकिन उनको कोई मान्यता नहीं थी। अब वर्ल्ड रेसलिंग एसोसिएशन ने भारतीय पद्धति कुश्ती को मान्यता दे दी और WFI जो हमारी भारतीय कुश्ती संघ है, उन्होंने प्रथम नेशनल चैंपियनशिप जो पुणे में कराएगा, उसके लिए हमने राजस्थान की प्रथम ट्रेडिशनल रेसलिंग चैंपियनशिप सिंदर कुश्ती हमने कोटा में जिला कुश्ती संघ के सौजन्य से हमने करवाई है और यहाँ जो चयनित टीमें होंगी वो प्रथम नेशनल में पुणे खेलने के लिए जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को सिद्धार्थनगर का दौरा करने वाले हैं। इसी को लेकर विधायक द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने डुमरियागंज डाक बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसी दौरान उन्होंने कहा कि योगी जी ने 31 दिसंबर 2017 को घोषणा की थी। CM योगी ने सिद्धार्थनगर को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने की बात कही थी। इस योजना को 25 दिसंबर 2018 यानी कि 1 साल से 1 सप्ताह पहले ही 25 दिसंबर 2018 को पूरा करने वो आ रहे हैं। आजादी के बाद का सबसे बड़ा सौगात और सबसे महत्वपूर्ण ये कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने 31 दिसंबर को घोषणा किया था और इतनी बड़ी योजना 25 दिसंबर यानी 1 साल से 1 सप्ताह पहले ही, जिसमें पैसा भी रिलीज हो गया, निर्माण एजेंसी भी घोषित हो गई और 25 तारीख को भूमि पूजन शिलान्यास पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। वहीं कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल में बच्चों के साथ क्रिसमस मनाया गया। बता दें कि सोसाइटी हैजिव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बच्चों के साथ क्रिसमस मनाया गया। ट्रस्टी निधि प्रजापति ने बताया कि बच्चों को सांता क्लॉज बेहद पसंद है, क्योंकि स्कूलों में क्रिसमस की धूमधाम 1 हफ्ते पहले ही शुरू हो जाती है। ट्रस्ट के माध्यम से न्यू मेडिकल हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में बच्चों के साथ सांता क्लॉज ने केक काटा, फिर सभी बच्चों को उनके बेड पर जाकर केक भी खिलाया। इस अवसर पर अस्पताल प्रशासन के सभी सदस्य वहां मौजूद रहे। देखिए, 25 दिसंबर को क्रिसमस होगा, उस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन होता है, तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, ना केवल भारत में बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, सब जगह मनाया जाता है। तो आज जो सोसाइटी है हैजिव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के, उसके सभी मेंबर्स यहाँ न्यू मेडिकल कॉलेज में बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चे वो बच्चे हैं जो कि अब शायद क्रिसमस पर घर नहीं जा पाए या जिनके साथ में वो लोग खुशियाँ ना मना पाए जो उनके परिवार के सदस्य। सूबे में बढ़ती ठंड को देखते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। आपको बता दें कि ठंड से किसी भी गरीब की मौत नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में औरैया जिले के DM श्रीकांत मिश्रा ने देर रात जनपद में जरूरतमंदों को कंबल बांटे। कंबल वितरण के दौरान पुलिस और जिला प्रशासन भी DM के साथ वहां मौजूद रहे। जहां प्रदेश में लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात हो रही है, तो वहीं यूपी पुलिस अपराधियों के साथ हाथ मिलाकर बैठी है। मामला फरुखाबाद जिले के थाना शमशाबाद का है, जहां 15 साल की नाबालिग से रेप और गर्भपात कराने की धमकी देने के मामले में पुलिस अभी भी फरार एक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
वहीं दूसरी ओर बीते एक महीने से आरोपी पीड़ित परिवार को गाली गलौज करते हुए एफआईआर वापस लेने का दबाव बना रहा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। साहबानों की बेटी है 15 साल की, उस बेटी के साथ में 45 साल के आदमी ने रेप किया है, और जब उसने बताने घर बताई कि हमारे साथ में इस व्यक्ति ने रेप किया है, तो उसे डराया धमकाया, और इनके घर पे कच्चा टूटा मकान है, तो सारे भैया आ गए और इनको डरपाया, और तब फिर इन्होंने कहा कि अरे नहीं, हमारी लड़की के साथ में कुछ, तो इन्होंने समझा कि इसका लड़की का पेट फूल रहा है, तो सब लोगों ने बता दिया इसका पित्त है, वो बढ़ गया है, तो उसकी दवाई दिलवाने गए, और जब दवाई दिलवाई उसके बाद में बताया डॉक्टर ने कि अल्ट्रासाउंड करवाया, जो अल्ट्रासाउंड मालूम पड़ा 6 महीने बाद, तो उसमें बच्चा निकला 6 महीने का। बताइए 6 महीने का बच्चा 15 साल की लड़की के साथ, लड़की मरेगी नहीं तो क्या होगा? ऐसे दरिंदों को तो तुरंत सजा मिलनी चाहिए, और वो भी सजाए मौत। तो वहीं फरीदाबाद में घर से निकली दो मासूमों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाला एक आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर जो हमें पता लगी, हमें सुबह पता लगी 9:30 बजे बीच में, हमारे मोहल्ले के बच्चे थे, उन्होंने बताया कि हमारे लड़की को हमने देखा, दो लड़कों के साथ में तुम्हारी बहन वहाँ पकड़ी गई, उठा के ले आ रहा कोई। हम उधर तुरंत भागे, सकुल पहुंचे, सकुल में नहीं मिली हमें। फिर हमें सुबह स्कूल, सुबह घर से स्कूल गई थी। हाँ जी, सुबह स्कूल गई थी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं दोनों लड़के? एक 9th में और एक 10th में जी। वहाँ गए हैं, वहाँ पता नहीं लगे, हम पुलिस चौकी गई 3 नंबर की, उन्होंने बोला ये हमारे, हमें उनके साथ में ले गए, पीछे में पकड़ी गई है, वारदात कभी हाथ पकड़ा गया, पुलिस वाले पता चल पकड़ी है, तो उन्होंने बोला हमारे हाथ में केस नहीं है, उन्होंने निकल पड़ करके 2 नंबर चौकी में पहुँचा दिया हमको। तो वहीं पाली में भव्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन आपको बता दें कि 1 जनवरी को होगा। सादरी पाली के तीनों स्टेट हाईवे पर रत्न परिया चौहान परिवार द्वारा बनाया गया प्रवेश द्वार का लोकार्पण 1 जनवरी को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी और राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश माथुर होंगे। बीजेपी नेता ललित दवे ने सादरी के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने और भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण करवाने वाले रत्न परिया चौहान परिवार को बीजेपी मंडल सादरी की तरफ से शुभकामनाएं दी। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एबीएस टाइम न्यूज़।